So a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the railways, airport and waterways, that is RAW, with the subject code RCE076 for the all the AKTU affiliated colleges and for all the students related to the Department of Civil Engineering of the final year. Okay, so this is basically lecture 13, module 2. Okay, so module 2 here specifically means unit 2. So till now we have covered unit 1, and the unit 2, that is module 2, is basically about the geometric design of the railway track. And in particularly that module, we have covered the gradient, safe permissible speed. And in previous lecture, that is in lecture 12, if you remember, I covered the entire thing related to the negative super elevation as well as some of the numerical part related to the safe permissible speed and Kahn deficiency. So this will be the lecture specifically related to the numericals of the negative super elevation. Okay, so previous lecture mein humne dekha tha sare numericals jo Kahn deficiency, super elevation, equilibrium, super elevation और safe permissible speed. तो ये तीन चार चीजों को अगर हम मिला करके एक problem बनाने की कोशिश करते हैं और उसे कैसे solve करते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया, right? अब इस lecture में मैं आपको बताऊंगा कि negative super elevation के related किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस तरह के problems put up हो सकते हैं, basically आपका AKTU और कुछ क्वेश्चन इनमें से आपका इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से और आईईएस पॉइंट ऑफ व्यू से. इवन आईईएस में कन्वेंशनल में समटाइम्स दे आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस नेगेटिव सुपर एलिवेशन. तो इन कंटिन्यूएशन टू दैट पार्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड एंड द क्वेश्चन सेज दैट इफ अ 8 डिग्री कर्व ट्रैक, ठीक है, 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जेस फ्रॉम अ मेन कर्व ऑफ 5 डिग्री. इसका मतलब एक मेन कर्व है 5 डिग्री का और उससे एक ब्रांच लाइन डाइवर्ज हो रही है कितने डिग्री पे, 8 डिग्री पे, इन एन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन इन द लेआउट ऑफ अ ब्रॉड गेज यार्ड. और कौन सा यार्ड है यहां पे, इट इज अ ब्रॉड गेज, राइट. कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है एंड द स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन इफ द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड ऑन द मेन लाइन इज 45 किलोमीटर पर आ. तो अगर हम समरी निकालें इस पूरे प्रॉब्लम का, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उसकी पूरी पहले समरी निकालनी पड़ती है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है. तो एक मेन लाइन है, मेन लाइन से अपोजिट डायरेक्ट, मेन लाइन का एक कर्व है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक डाइवर्ज हो रही है ब्रांच लाइन. ओके, इतना क्लियर है. और ये कौन सा गेज है, ये ब्रॉड गेज है. और हमें क्या निकालना है, सुपर एलिवेशन निकालना है और स्पीड निकालना है किस पे, ब्रांच लाइन पे. क्यों, क्योंकि मैक्सिमम परमिटेड स्पीड जो मेन लाइन में है वो 45 किलोमीटर पर आ रहा है. तो इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप इन तरह के क्वेश्चन में ये है कि आपको पता है कि ब्रॉड गेज के लिए इक्विलिब्रियम कांट की फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जीवी स्क्वायर अपॉन 1.27 आर. तो उससे हम पहले क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांट निकालेंगे. तो सबसे पहली चीज है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांट रिक्वायर्ड, इक्विलिब्रियम कांट रिक्वायर्ड फॉर 45 kmph. कितने स्पीड के लिए, 45 kmph स्पीड बाय इक्वेशन. तो इक्विलिब्रियम कांट निकालने का क्या फॉर्मूला है, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए 45 किलोमीटर पर आवर दिया है ना मैक्सिमम परमिटेड स्पीड. तो इसको किस फॉर्मूले से निकालेंगे, जीबी स्क्वायर अपॉन 1.27 आर. ये फॉर्मूला आपको पता है, इसमें हम सारा रख लेंगे वैल्यूज. कैसे, जी की वैल्यू कितनी है आपको पता है, ब्रॉड गेज के लिए कितनी होती है, 1.676 मीटर, ठीक है. और
v की वैल्यू कितनी है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर दी स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो v की वैल्यू कितनी दी है, 45 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। और r क्या होता है, r और d के बीच का रिलेशन क्या होता है, 1720 by d, where d is your 5 degree, ठीक है, where d is your 5 degree, क्यों, क्योंकि हम मेन कर्व के लिए निकाल रहे हैं, राइट। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1720 by 5, राइट। ये हो गया e, 1.676 into v square, 45 का square upon 1.27 r, r की value 1720 into 5। तो यहां से e की value कितनी निकल आई, 7.78, मैं कैलकुलेट करके लाया हूं, आप कैलकुलेट कर लेना, e की वैल्यू आ जाएगी 7.78 सेंटीमीटर। अच्छा मैं आपको याद दिलाऊं, तो e की वैल्यू ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कितनी अलाउड है, 7.60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो e की वैल्यू इस केस में पहले पहला स्टेप हो गया, पहला वैल्यू कितनी आ गई, 7.78 सेंटीमीटर। अब हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, तो जब सेकेंड स्टेप पे जाएंगे तो फॉर ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज के लिए कांट डिफिशियंसी, द कांट डेफिशियंसी, द कांट डेफिशियंसी फॉर मेन लाइन कितनी अलाउड है, मेन लाइन के लिए कितनी अलाउड है, 7.6 सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है, कितनी अलाउड है, 7.6 सेंटीमीटर। सो द कांट, सो द कांट फॉर मेन ट्रैक equals to 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम कांट निकाल लिया 45 किलोमीटर पर आवर के लिए और ये निकल के आई 7.78 सेंटीमीटर। ब्रॉड गेज के लिए दूसरा स्टेप आओ, फिर देखते हैं कि ब्रॉड गेज के लिए परमिटेड कितनी है कांट डिफिशियंसी मेन लाइन पे, वो है 7.6 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो आपका कांट है, सो द कांट फॉर मेन ट्रैक कितना हो जाएगा, 0.18 सेंटीमीटर। लेकिन ये रिवर्स कंडीशन में आपको देना है, तो ये कौन सा कांट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कौन सा सुपर एलिवेशन हो जाएगा, इट विल बी दी नेगेटिव सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो स्टेप नंबर फोर में आओ, फोर्थ स्टेप ऐसे होगा, फोर्थ स्टेप विल बी देयरफोर दी कांट, the cant to be provided, therefore the cant to be provided for branch track के लिए कितना हो जाएगा, कितना cant provide करना होगा, opposite में provide करना होगा ना, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, minus 0.18 centimeter। इसका मतलब क्या हो गया, that is negative cant, कौन सा कांट हो गया, नेगेटिव कांट, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप पे आएंगे, विथ कांट डेफिशिएंसी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर विच इज परमिसेबल the speed of the train will be for a
कांट ऑफ, कितने कांट के लिए 7.6 और प्लस माइनस 0.18, ये कितना निकल के आएगा 7.42 सेंटीमीटर। हेंस परमिसिबल स्पीड, अब परमिसिबल स्पीड निकालनी है, परमिसिबल स्पीड, हेंस द परमिसिबल स्पीड ऑन ब्रांच लाइन कैन बी वर्कड आउट फ्रॉम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये आपका फॉर्मूला होगा 7.42 सेंटीमीटर निकला है ना, तो 7.42 इक्वल्स टू जीवी स्क्वायर 1.676 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 1.27 इंटू आर 1.720। तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ गई 34.7 kmph, ये हो गई और ये कितनी है, ये कौन सा स्पीड है, ये थियोरेटिकल स्पीड है। देखो एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ अ 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जेस फ्रॉम अ मेन कर्व ऑफ 5 डिग्री, ठीक है, मेन कर्व हमारा कितना है जो दिया है 5 डिग्री, उससे डाइवर्ज कितने डिग्री पे हो रहा है 8 डिग्री पे, कौन सा लाइन, ब्रांच लाइन, ठीक है, इन एन अपोजिट डायरेक्शन इन द लेआउट, मतलब किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ अ ब्रॉड गेज यार्ड, कौन सा यार्ड है, ब्रॉड गेज, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन, क्या निकालना है, सुपर एलिवेशन निकालना है एंड द स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन, और क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है ब्रांच लाइन पे, इफ द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड ऑन द मेन लाइन इज 45 km/h, अगर हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी परमिटेड है मेन लाइन पे, वो है 45 km/h। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप इस केस में ये होगा कि मेन लाइन पे हम पहले इक्विलिब्रियम कांट को निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांट रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, फॉर 45 km/h स्पीड बाय इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से, इक्वल्स टू जीवी स्क्वायर अपॉन 1.27 आर, क्यों, क्योंकि यही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है कांट को निकालने के लिए जब आपका ब्रॉड गेज दिया हो, तो जी की वैल्यू क्या हुई, सेंटर टू द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल, तो ब्रॉड गेज के केस में कितना माना गया है 1.676 मीटर, वी की वैल्यू कितनी है 45 km/h और आर की वैल्यू कितनी होती है 100, ये एक्चुअली कहां से आया है, ये आया है आर इक्वल्स टू 1720 बाय डी, डी क्या है, डिग्री, और मेन लाइन पे कितनी डिग्री है 5 डिग्री, तो आर इक्वल्स टू 1720 बाय 5, 1720 बाय डी, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, सारी वैल्यू हमने रखी और ई की वैल्यू 7.78 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन ब्रॉड गेज के लिए मेन लाइन पे आपका कितना पर, अब दूसरे पे जाते हैं, पहले तो हमने निकाल लिया, फिर हम दूसरे पे जाके ये देखते हैं, चेक करते हैं कि ब्रॉड गेज के लिए मेन लाइन पे कितना कांट डेफिशिएंसी अलाउड है, तो वो कितना है, याद करो 7.6 सेंटीमीटर परमिटेड है, ठीक है, जब 7.6 सेंटीमीटर परमिटेड है लेकिन एक्सेस कितना दे रहे हैं 7.78 सेंटीमीटर, इतना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में यहां पे नेगेटिव सुपर एलिवेशन है कि नहीं है, तो इसको माइनस करोगे, पहले तो माइनस करके ये पता चलो कि कितने का कांट हमको देना है मेन ट्रैक पे, 0.18 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर द कांट टू बी प्रोवाइडेड फॉर ब्रांच ट्रैक, तो ये ब्रांच ट्रैक के लिए कितना हो जाएगा -0.8 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव रिवर्स कर्व को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सुपर एलिवेशन कितना हो गया इसमें -0.18 सेंटीमीटर, ठीक है, आगे आओ,
with Kant efficiency of 7.6 centimeter, which is permissible, the speed of the train will be for a Kant of 7.6 plus minus, मतलब अब हम निकाल लेंगे हमारी जो नेगेटिव ये ब्रांच लाइन पे तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमारी मेन लाइन पे कितनी होगी, मेन लाइन पे कितनी परमिसेबल है 7.6, तो माइनस 0.18 कर देंगे तो वो कितना आ गया 7.42 सेंटीमीटर। तो परमिसेबल स्पीड मेन लाइन पे क्या हो जाएगी इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कितनी हो जाएगी, वो आएगी 34.7 kmph। लेकिन ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी थियोरेटिकल, क्यों, क्योंकि 24 किलोमीटर पर आर की स्पीड ही क्या है वो डिफाइन की गई है रिवर्स कर्व में मेन लाइन पे, ठीक है। तो ये है टोटल आपको कैसे मैक्सिमम स्पीड परमिटेड है, कितना सुपर एलिवेशन होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए ब्रांच लाइन पे। तो ब्रांच लाइन पे स्पीड हम निकालेंगे 24 किलोमीटर पर आर, ठीक है, ब्रांच लाइन पे जो स्पीड अलाउड है वो रिवर्स कर्व में वो अलाउड है 24 kmph ब्रॉड गेज के लिए, लेकिन इस केस में कितना आ रहा है, थ्योरेटिकल कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। इतना बात समझ गए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही जाओगे, सबसे पहले E की वैल्यू निकाल लो मेन लाइन पे, ठीक है, उसके बाद देखो कि ब्रॉड गेज के लिए कितनी डिफिशियंसी कांट डिफिशियंसी अलाउड है, फिर उसमें से माइनस करके उतनी आप कांट निकाल लो मेन ट्रैक पे, तो वो ब्रांच के लिए कितना हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब मेन पे निकाल लोगे वहीं से वो निकल पाएगा क्योंकि रिवर्स में है आपका, वेरी कूल, रिवर्स में है तो कितना हो गया, माइनस में आ गया, ठीक है। अब मेन लाइन पे कितना हो जाएगा, 7.6 ही अलाउड है, इतना हम निकाल रहे हैं तो 7.6 माइनस 0.18 तो कितना हो गया 7.42 सेंटीमीटर। अब 7.42 को यूज करके हम कितना निकालेंगे, हम स्पीड निकालेंगे, ठीक। तो ये कितना आ रहा है, ये 24 से ज्यादा आ रहा है, ये थ्योरेटिकल है, तो हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 24 किलोमीटर पर आर हम स्पीड प्रोवाइड करेंगे और नेगेटिव सुपर एलिवेशन हम कितना प्रोवाइड करेंगे ब्रांच लाइन पे, ब्रांच लाइन पे वो प्रोवाइड करेंगे 0.18। तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 0.18 सेंटीमीटर नेगेटिव, और हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 24 kmph, ठीक। ये है न्यूमेरिकल नंबर 1। 24 क्यों, क्योंकि रिवर्स में ब्रांच ट्रैक पे ब्रॉड गेज के लिए 24 ही परमिसेबल है, इसीलिए इसको यहां निकालते हैं, लेकिन 24 है तो 24 ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए तब हम एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे। अभी तक हमने ब्रांच लाइन पे निकाला था, अब मेन लाइन पे कैसे निकालेंगे उसको हम एक न्यूमेरिकल से देखते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल है, मूविंग टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 2, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है पहले वो देखो। अ फाइव डिग्री कर्व। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन द डिग्री कर्व फ्रॉम अ, देखो नेगेटिव ये ब्रांच लाइन पे तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमारी मेन लाइन पे कितनी होगी, ये थ्योरेटिकल है, फ्रॉम 3 डिग्री मोमेंट हमारा इन रिवर्स डायरेक्शन क्या कहता है पहले वो देखो। अ 5 डिग्री कर्व रिवर्स डायरेक्शन हेलो इन द लेआउट ऑफ अ In the layout of a broad gauge yard. कौन सा yard है? So a very good morning, student. Okay. If the speed on the hello student.
प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में इंट्रोड्यूस सूटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन एंड इफ पॉसिबल टू सिस्मिक डिजाइन फैक्टर क्या इररेगुलर कॉन्फ़िगरेशन ये ब्रांच लाइन नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग फिर इसके बाद तो द क्वेश्चन फॉर द रिस्ट्रिक्टेड टू 35 किलोमीटर पर आवर इज हेलो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है 35 किलोमीटर पर आवर KMPH डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑन द मेन लाइन प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आल्सो 7.8 अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी द रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑन द मेन लाइन इफ अ 5 डिग्री कर्व अगर एक 5 डिग्री कर्व डाइवर्जेस फ्रॉम अ 3 डिग्री मेन कर्व इन रिवर्स डायरेक्शन ठीक है आपका एक 5 डिग्री कर्व डाइवर्ज हो रहा है फ्रॉम अ 3 डिग्री मेन कर्व तो हमारी जो मेन कर्व है वो 3 डिग्री है उससे जो ब्रांच लाइन डाइवर्ज हो रही है वो 5 डिग्री पे है इन द लेआउट ऑफ अ ब्रॉडगेज यार्ड और किस डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में इफ द स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 35 किलोमीटर पर आवर ब्रांच लाइन पे कितनी स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है 35 किलोमीटर पर आवर डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑन द मेन लाइन हमको क्या निकालना है उस केस में क्या था स्टूडेंट्स उस केस में आपका ब्रांच लाइन पे निकालना था अभी हमको इस केस में किस पे निकालना है इस केस में हमको मेन लाइन पे निकालना है ठीक है अब कैसे करेंगे सबसे पहले तो सुपर एलिवेशन निकाल लो शांति से सबसे पहले स्टेप वन में सुपर एलिवेशन निकाल लो तो सुपर एलिवेशन निकालोगे कैसे सुपर एलिवेशन ऑन डाइवर्जिंग कर्व सुपर एलिवेशन ऑन डाइवर्जिंग ट्रैक किस ट्रैक पे निकालेंगे डाइवर्जिंग क्योंकि हमको इसी पे निकालना है डाइवर्जिंग ट्रैक या तो उसको कहो ब्रांच लाइन इज गिवन बाय फॉर्मूला ये क्या है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इक्वल्स टू क्या होता है सो अ वेरी गुड मॉर्निंग जीवी स्क्वायर अपॉन 1.27 सुपर एलिवेशन आर जी की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इक्वल्स टू क्या होता है और सो अ वेरी गुड मॉर्निंग जीवी स्क्वायर तो 1.676 इनटू 35 होल स्क्वायर 1.27 आर की वैल्यू कितनी होती है वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 1720 बाई इक्वल्स टू क्या होता है डी सो अ वेरी गुड मॉर्निंग जीवी स्क्वायर द स्पीड ऑन द ब्रांच लाइन अपॉन ब्रांच लाइन की वैल्यू 5 1.27 एलिवेशन यहाँ से जी की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इक्वल्स टू क्या होता है और वेरी गुड मॉर्निंग 0.71 सेंटीमीटर तो ई की वैल्यू कितनी है ये किस में निकाले हो ब्रांच पे ठीक है तो नेगेटिव सुपर एलिवेशन कितना हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है सो द नेगेटिव कांट कितना हो जाएगा नेगेटिव कांट इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांट माइनस कांट डेफिशिएंसी तो ये कितना हो गया 4.71 माइनस 7.6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू माइनस 2.89 सेंटीमीटर
बिकॉज कांट डिफिशियंसी परमिटेड फॉर ब्रीजी ट्रैक इज डिफिशियंसी परमिटेड फॉर बीजी ट्रैक इज 7.60 सेंटीमीटर. ठीक है, यहां तक तो आई गेस क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी. स्टेप जैसे पहले कर रहे थे वैसे अभी भी स्टेप बाय स्टेप वही किया है. ठीक है, अब ये नेगेटिव आ गया -2.89, तो ये मेन लाइन पे कितना हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स में ये प्रोवाइड हो रहा है ब्रांच के लिए, तो मेन पे कितना हो जाएगा ये 2.89 सेंटीमीटर. ठीक है, उस केस में हम मेन से ब्रांच पे आ रहे थे, अब इस पे ब्रांच से मेन पे आ रहे हैं. ठीक है, तो नेगेटिव कांट हमने पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप निकाल लिया, तीसरा स्टेप क्या होगा, कितना नेगेटिव कांट इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन द मेन लाइन इक्वल्स टू 2.89 सेंटीमीटर. तो थियोरेटिकल कितना हो जाएगा 7.6 प्लस 2.89. अब ये तो निकल गया, परमिसेबल तक निकल गया, अब हम थियोरेटिकल पे जाएंगे. ठीक है, तो थियोरेटिकल सुपर एलिवेशन, थियोरेटिकल सुपर एलिवेशन, थियोरेटिकल सुपर एलिवेशन विच कैन बी प्रोवाइडेड, विच कैन बी provided on main line equals to 2.89 plus 7.6 centimeter equals to 10.49 centimeter. ठीक है, तो theoretical कितना हो गया 10.49. अब इस theoretical का use करके हम V की value निकालेंगे. ठीक है, Hence the speed on track. ये कैसे निकलेगा, E की वैल्यू कितनी है, GV square upon 1.27 R. तो E की वैल्यू कितनी दी हुई है 10.49. 1.676 into V square 1.27 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1720 इंटू 3. ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4550 kmph. तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, V की वैल्यू हो गई 67.6 kmph. अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये हो जाएगा 65 किलोमीटर्स पर आवर. क्लियर है, तो इस तरह से हम मेन लाइन को पे निकालना हो तो मेन लाइन पे हम ऐसे निकालते हैं. तो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑन द मेन लाइन कितनी है 65 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें ब्रांच लाइन के बारे में निकालनी थी, दूसरे क्वेश्चन में हमको मेन लाइन से रिलेटेड निकालना है. ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ 5 डिग्री कर्व डाइवर्जेस फ्रॉम अ 3 डिग्री मेन कर्व इन द रिवर्स डायरेक्शन इन द लेआउट ऑफ अ ब्रॉड गेज यार्ड. If the speed on the branch line is restricted to 35 km per hour, determine the restricted speed on the main line.
ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांच निकालना किसके लिए है, मेन लाइन के लिए, दिया किसके लिए है, ब्रांच लाइन के लिए। ब्रांच लाइन की डेटा को उठाओ, वहां से सुपर एलिवेशन निकालो, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन ब्रांच लाइन के लिए किस फॉर्मूले से निकालोगे, क्योंकि ये ब्रॉड गेज है, जीबी स्क्वायर अपॉन 1.27 आर। अब कौन कौन सी वैल्यू आपको याद रखनी है, जी की वैल्यू वो 1.676 होता है और आपकी आर की वैल्यू 1720 बाई डी होता है, तो डी यहां कितना है, 5 है, यहां से कितना निकल गया, इक्वल्स टू 4.71 सेंटीमीटर। अब हम इधर जाएं, नेगेटिव कांट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांट माइनस कांट डिफिशियंसी। इक्विलिब्रियम कांट कितना निकाले हो, 4.71, कितना निकाले हो, 4.71, और कांट डिफिशियंसी कितनी होती है, कांट डिफिशियंसी कितनी होती है, 7.60, किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए। यहां से कितना निकल गया, माइनस 2.89 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कांट डिफिशियंसी कितनी होती है, 7.6, ये पता है। तो नेगेटिव कांट इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन ऑन दी मेन लाइन, ठीक है। जो नेगेटिव सुपर एलिवेशन होता है वही मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन होता है आपका मेन लाइन पे। तो ये ब्रांच लाइन के लिए तो आपकी माइनस 2.89 सेंटीमीटर निकल गया, तो मेन लाइन के लिए आपका कितना मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन होगा, वो होगा 2.89 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप थियोरेटिकल क्या होगा, थियोरेटिकल स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7.6 अलाउड है, उसमें प्लस 2.89 ऐड करेंगे तो 10.49 सेंटीमीटर पे हम निकालेंगे, तो उससे हमें कितना निकल के आएगा, रिस्ट्रिक्टेड स्पीड, कि हमें अगर परमिसिबल से ज्यादा भी जा रहा है तो इससे ज्यादा स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए। ये मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी निकल के आई, 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल दूसरे इस तरह का आता है, तो दो तरह के न्यूमेरिकल बताए, दोनों तरह के न्यूमेरिकल में आपको नेगेटिव सुपर एलिवेशन और मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड निकालना था। एक बार आपको मेन लाइन के लिए मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड मतलब रिस्ट्रिक्टेड स्पीड और सुपर एलिवेशन निकालना था, और दूसरी बार आपको ब्रांच लाइन के लिए निकालना था। तो ब्रांच लाइन और मेन लाइन के केस में कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल है। तो स्टेप बाय स्टेप याद रखने के लिए बस ऐसे याद रखो कि सबसे पहले आप उसका जिसका भी आपको निकालना है उसका आप पहले कांट निकालो, फिर वहां से फॉर्मूला लगाओ, इक्विलिब्रियम कांट माइनस कांट डिफिशियंसी, वहां से आपको कांट आ जाएगा, फिर उसको थ्योरेटिकल कांट में बदलो, उस थ्योरेटिकल कांट से आप थ्योरेटिकल स्पीड निकालो, बस दैट्स ऑल, यही है आपका। दिस इज ऑल अबाउट योर टू न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल पे, नोट कर लिया आपने, तीसरा न्यूमेरिकल, फाइंड स्पीड फॉर विच सुपर एलिवेशन इज टू बी मेंटेन is to be maintained if the speeds of the several train if the speeds of several trains running on a main curved track are as follows,
पहला है फिफ्टीन ट्रेन्स, एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h. दूसरा है 10 ट्रेन्स, 10 ट्रेन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h. स्पीड ऑफ 60 km/h. और तीसरा है 5 ट्रेन्स एट अ स्पीड ऑफ 70 km/h. Two trains at a speed of 80 km/h. अब इस तरह के numericals अगर आ जाएं तो कैसे सॉल्व करोगे? मैं आपको डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, सो दैट डिफरेंट टाइप के जो स्टेप हैं, प्रोसेस हैं, और आपका डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलेज हैं, उन सब का यूज हो जाए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड फॉर विच सुपर एलिवेशन इज टू बी मेंटेन्ड इन द स्पीड्स ऑफ द सेवरल ट्रेन्स रनिंग ऑन अ मेन कर्व ट्रैक आर एज फॉलोज. पहला 15 ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h, दूसरा 10 ट्रेन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h, तीसरा 5 ट्रेन्स एट अ स्पीड ऑफ 70 km/h, और चौथा है 2 ट्रेन्स एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h. ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कितना क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे वेटेड एवरेज स्पीड. ठीक है, क्यों? क्योंकि हर नंबर ऑफ ट्रेन्स के लिए जो स्पीड है वो डिफरेंट ही है. तो पहले तो हम एक स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे. आपको याद होगा मैंने वेटेड एवरेज स्पीड के बारे में बताया था आपको. तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको सबसे पहले जो करना होगा काम वो क्या है कि आपको वेटेड एवरेज स्पीड निकालनी है. ठीक है, तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए कितने ट्रेन्स, कितना है? 4 तरह का. ठीक है, तो वेटेड एवरेज स्पीड, और ये कैसे निकल के आएगा? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस N4V4 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4. ठीक है, तो कैसे निकलेगा? N1 दिया हुआ है, पहले केस में कितना है N1? 15. ठीक है, तो इसको ऐसे निकालो, 15 इंटू V1 कितना हुआ? 50 प्लस N2 कितना दिया है? 10. 10 ट्रेन्स है ना, और V2 कितना है? 60. N3 कितना दिया है? 5 इंटू 70 प्लस 2 इंटू 80. N1 प्लस N2 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4, सॉरी N4 है ना, N4 2 है. ठीक है, यहां से वेटेड एवरेज स्पीड कैलकुलेट करोगे कितनी निकल के आएगी? वेटेड एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी? वेटेड एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी? मैंने कैलकुलेट किया है, ये है 58.125 km/h. ये कितनी आई? 58.1
58.125 kmph। मैक्सिमम स्पीड देखो कितनी दी हुई है, 80, टू ट्रेन्स के लिए वो है 80। तो डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम स्पीड कितनी है, दैट इज डेविएशन फ्रॉम मैक्सिमम स्पीड वो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 58.125, और ये कितनी निकल के आएगी, 21.875 kmph। निकालना क्या है, निकालना है आपको फाइंड द स्पीड फॉर विच सुपर एलिवेशन इज टू बी मेंटेन इफ द स्पीड्स ऑफ द सेवरल ट्रेन्स रनिंग ऑन अ मेन कर्व ट्रैक आर एस फॉलोज। इसका मतलब हमको कोई एक स्पीड निकालनी है जिसके लिए आपको सुपर एलिवेशन मेंटेन रहे, और वो स्पीड उस ट्रैक के लिए निकालनी है जब आपका 15 ट्रेन्स जो है वो 50 km/h पे जा रही है, 10 ट्रेन्स आपकी 60 km/h पे दौड़ रही है, 5 ट्रेन्स आपकी 70 km/h पे दौड़ रही है, और 2 ट्रेन्स आपकी 80 km/h पे दौड़ रही है। तो इस केस में एक स्पीड का मतलब यह हुआ कि एक एवरेज स्पीड, मतलब वेटेड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहला स्टेप यही हुआ कि आप इसमें वेटेड एवरेज स्पीड को निकालो। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है वेटेड एवरेज स्पीड, जो हमें प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, उसको निकालते हैं हम N1V1+N2V2+N3V3+N4V4/N1+N2+N3+N4, राइट, वेयर N1 इज योर, come to the your question part, N1 is 15 trains, 15 for the 50 km/h, so N1 will be your 15, V1 will be your 50, N2 is 10, 60, 5, 70, N4, 2, 80, right, N1 plus N2, ये हो गया, यहां से weighted average speed कितनी निकल के आई, 58.125 kmph, मतलब इतनी speed होनी चाहिए, लेकिन deviation क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्पीड से कितना डेविएशन हो रहा है, हो रहा है 80 km/h है आपका मैक्सिमम स्पीड, तो माइनस कर दोगे तो कितना निकल आएगा, 21.875 kmph। तो ये आपकी दूसरे तरह के न्यूमेरिकल हो गया। तो न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 3, ये 3 मैंने बताया। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, आई गेस आपको समझ में आ गया, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको चौथा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ूंगा। What is the equilibrium current? What is the equilibrium? What is the equilibrium current on a 2-degree curve? On a 2-degree curve. On a broad gauge, if 15 trains, five trains, and two trains are running at speeds of
50 kmph, 15 trains, 5 trains and 2 trains. सेम क्वेश्चन जो पुराना वाला था उसी पे है, 15 ट्रेन्स कॉमा 10 ट्रेन्स, 5 ट्रेन्स एंड 2 ट्रेन्स आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 kmph, कॉमा 60 kmph, कॉमा 70 kmph एंड 80 kmph respectively. क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांट ऑन अ 2-degree कर्व ऑन अ ब्रॉड गेज इफ 15 ट्रेन्स 10 ट्रेन्स 5 ट्रेन्स एंड 2 ट्रेन्स आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन्स हैं और उनकी जो एवरेज स्पीड है वो दी गई है, ठीक है. तो इस केस में हमको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांट निकालना है किसने कर्व के लिए, 2-degree कर्व के लिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह में सोल्यूशन ऐसे करो कि आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, आर की वैल्यू निकाल लो. और आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है 1720 बाई डी, किसके लिए, फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए, ठीक है. तो आर की वैल्यू आ गई 1720 और डिग्री कितना दिया हुआ है, 2-degree कर, ठीक. तो आर की वैल्यू हो गई 860 meters. आर की वैल्यू कितनी हो गई, 860 meters, ठीक, ये निकल गया. उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस में आप निकालो क्या दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो आर निकाल लिया, दूसरा पार्ट निकालो वेटेड एवरेज स्पीड. तो वेटेड एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n1v1 प्लस n2v2 प्लस n3v3 प्लस n4v4 by n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ठीक है. तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, 15 × 50 प्लस 10 × 60 प्लस 5 × 70 प्लस 2 × 80 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2. वेटेड एवरेज स्पीड पिछले वाले सवाल में जब आप लगाए थे तो कितना आया था, वो आया था आपका 58.125 kmph. तो फॉर्मूला क्या होता है, अब क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांट. तो E इक्वल्स टू कितना होता है, GB स्क्वायर बाई 1.27 R, ठीक है. तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, G की वैल्यू कितनी होती है, 1.676. V की वैल्यू निकल के आ गई 58.125 का होल स्क्वायर 1.27 × R. R की वैल्यू कितनी आई है, 860. तो E की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 5.4 cm. So this is your numerical, fourth type का numerical ये है जिसमें आपको equilibrium कांट निकालना है और different trains की
नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेन की एवरेज स्पीड डी है। तो इस केस में सबसे पहली चीज, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आर और डी के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके आर की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू 1720 बाई डी ब्रॉड गेज के लिए, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी आई 860 मीटर। वेटेड एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई n1 v1, तो ये हो गया ये 58.125 kmph। e की वैल्यू कितनी हुई gv स्क्वायर अपॉन 1.27 r, तो ये कितना आ गया e इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। इस केस में कितना हो गया 5.4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लीजिए, तब मैं एक और न्यूमेरिकल बताता हूं, एक और टाइप का न्यूमेरिकल है जो कि लास्ट न्यूमेरिकल होगा। हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है सब सारे क्वेश्चंस का। On a broad gauge 3D curve, on a broad gauge 3-degree curve, the equilibrium cone, is provided for a speed of ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा आज का, फॉर अ स्पीड ऑफ 70 kmph। ओके, ऑन अ ब्रॉड गेज 3-degree कर्व द इक्विलिब्रियम कांट इज प्रोवाइडेड फॉर अ स्पीड ऑफ 70 kmph। पार्ट ए, calculate the value of equilibrium cone, और दूसरा है allowing a maximum cant deficiency what would be the maximum permissible speed, permissible speed on the track. On a broad gauge 3-degree curve, the equilibrium cant is provided for a speed of 70 kmph. पहला है calculate the value of equilibrium cant, और दूसरा है allowing a maximum cant deficiency, what would be the maximum permissible speed on the track. तो पहला part कैसे निकालेंगे,
इक्विलिब्रियम कांट की वैल्यू क्या होती है? जीवी स्क्वायर, ये होती है ना, या तो इसको कह दो इक्वल्स टू 1.315 इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आर इक्वल्स टू 1720 बाई डी, वेयर डी इज योर 3। E की वैल्यू कितनी आ गई? 11.25 सेंटीमीटर। तो इक्विलिब्रियम कांट की वैल्यू कितनी आ गई? 11.25 सेंटीमीटर। थियोरेटिकल कांट, थियोरेटिकल कांट इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांट प्लस कांट डिफिशिएंसी। इक्विलिब्रियम कांट प्लस कांट डिफिशिएंसी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 11.25 प्लस 7.60, ये हो गया आपका 18.85 सेंटीमीटर। ओके, तो स्पीड परमिसिबल कितनी निकल के आएगी? स्पीड परमिसिबल, स्पीड परमिसिबल कितनी निकल के आएगी? अंडर रूट 3 इंटू आर बाय 1.325। ठीक है, तो ये हो गया 18.85 इंटू 1720 बाई 3 इंटू 1.315। यहां से आपका KMPH आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यह है आपका लास्ट न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का। इस तरह के न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको? इक्विलिब्रियम कांट की वैल्यू निकालनी है, जो कि फॉर्मूले से निकाला, और फिर उसी मैक्सिमम कांट डिफिशिएंसी को अलाउ करके, तो आपकी थ्योरेटिकल कांट की वैल्यू क्या होती है? वो होती है इक्विलिब्रियम कांट प्लस कांट डिफिशिएंसी। तो इक्विलिब्रियम कांट आप निकाल लिए, कांट डिफिशिएंसी हमको पता है 7.6 होती है, तो 18.85, और वहां से स्पीड परमिसिबल आपको निकाल लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर न्यूमेरिकल। अब 5 अलग तरह के न्यूमेरिकल मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 13. So thank you so much for listening into patiently. Write it down, all the numericals. We'll meet in the next lecture. Thank you guys. Thank you. Have a good day.